अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नाज़रीन इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में, आज बड़ी अफसोसनाक खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने आ रही है। हेडलाइन तो आपने देख लिया कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले हुए हैं और 15 लोगों के मारे जाने का, 15 लोगों की हलाकत का दावा किया जा रहा है। तमिलनाडु में हिंदी बोलने वालों को निशाना बनाया गया। थोड़ा सा जहन को आप पीछे ले जाइए, यही हरकत महाराष्ट्र के मुंबई में बड़े पैमाने पर हुई थी और मनसे ने ये आतंक मचाया था उत्तर भारतीयों के खिलाफ, उत्तर प्रदेश या बिहार के मजदूरों के खिलाफ। और यही हरकत के मुंबई में जगह जगह उनकी लोड गाड़ियों पर, मजदूरों पर, उत्तर भारतीयों पर हमले किए जा रहे थे। तो अब जनाब ये इतना ख़तरनाक वाकया तमिलनाडु में हुआ है कि तमिलनाडु में 15 लोगों की हलाकत का दावा किया जा रहा है। जी हाँ, 15 लोगों की हलाकत का दावा किया जा रहा है कि 15 बिहारी मजदूर मारे गए हैं। इसी को लेकर बिहार असेंबली में गुज़िश्ता कल ज़बरदस्त हंगामा हुआ है। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ जो मारपीट हो रही है, अब वहाँ से बिहारी मजदूर या हिंदी बोलने वाले लोग बाकायदा अब छोड़ छोड़ कर वहाँ से हिजरत पर मजबूर हैं, भाग रहे हैं। भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक 25 साल के एक नौजवान अरमान ने अपने 20 साथियों के साथ वो जमुई आ रहा है। उसने बताया कि तमिलनाडु डीजीपी हमले की बात से इनकार कर रहे हैं। तमिलनाडु डीजीपी हमले की बात से इनकारी है, जिस पर उसने कहा कि अगर कुछ नहीं हुआ, अरमान का और उसके साथियों का कहना है कि अगर तमिलनाडु में ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर इतनी लाशें बिहार कैसे पहुंच गई। अगर कुछ नहीं हुआ तो इतनी लाशें बिहार कैसे पहुंच गई। उसने कहा कि हम लोगों पर हमले हो रहे हैं। त्रिपुर से वो 2 दिन कबल लौटे जमुई के सिकंदर और भी गांव के शरुण कुमार ने बताया कि तमिलनाडु में माहौल बहुत खराब है, बिहारियों पर चाकू से हमले किए जा रहे हैं। हमला करने वालों का कहना है कि तुम लोग यहाँ से बिहार चले जाओ। वो कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारा रोजगार छिन गया है। जब वो लोग ऐसे मारकाट करेंगे तो फिर हम वहाँ कैसे रहें। इन लोगों का कहना आने वालों का कि फिर हम वहाँ कैसे रहें, हम बहुत डर गए थे, लोग वहाँ से भाग रहे हैं। बस, ऑटो, ट्रेन, जहाँ भी वहाँ पर बिहारी नजर आ रहे हैं वहाँ काटे जा रहे हैं। कंपनी और इंतजामिया जिन लोगों के यहाँ हम काम करने गए थे, बरसों से काम कर रहे थे, वो भी हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। जमुई के रोहित कुमार ने बताया कि तमिलनाडु में हिंदी बोलने वालों को मारा काटा जा रहा है, हिंदी वालों को भगाकर वहां तमिल वाले रहना चाहते हैं। तमिलनाडु में 14 लोगों का कत्ल हुआ है। आज ही बिहार लौटने वाले राहुल ने बताया कि वो त्रिपुर में रह रहा था, वहां मार्केट में सबको मारा काटा जा रहा है, वहां से 14 से 15 लोगों को मार दिया गया है। यह है मेरा प्यारा भारत, या इसे हम कहेंगे यह नया मोदी जी का, भाजपा का नया भारत, जिसमें अब कोई महफूज नहीं है। अब इन बिहारी भाइयों में मुसलमान भी है, हिंदू भी है, SC ST भी है, सब है, कोई महफूज नहीं है। इस वक्त मुल्क तरक्की पर जा चुका है, नफरतें पूरे उरूज पर है। अभी तक तो हिंदू मुसलमानों की नफरतें फैलाई जा रही थी, अब आप देखें कि हिंदी बोलने वाले चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो कोई महफूज नहीं है। और तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले को लेकर बिहार असेंबली में जबरदस्त हंगामा हो रहा है। कॉन्टैक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेजाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें।
मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कॉन्टैक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है, अभी कॉन्टैक्ट। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहें कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।